अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका 9th क्लास की इंग्लिश का लेक्चर नंबर 32 है। ठीक है, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन राइटिंग। तो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन कभी भी आपको लिखनी पड़ सकती है, आपको किसी को भी कभी भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन राइटिंग का पता होना। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 6th में, 7th में, 8th में, और अब 9th क्लास में हैं, तो आपको आती है। लेकिन अगर जैसे कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो एक साल हो गया आपको छोड़े हुए, तो बंदा भूल जाता है कहाँ पे काम आता है, काम कहाँ पे फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर कट जाते हैं। ठीक है, आगे भी आपको बहुत जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी, आप 10th में, 11th में, 12th में आपको पढ़नी होगी एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे टू आगे कामा। ठीक है, टू के आगे कामा, फिर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आगे कामा। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, फिर द एनोवेटर स्कूल, द एनोवेटर्स स्कूल, द एनोवेटर्स स्कूल के आगे फिर कामा, फिर समानी जब आपने लिखना है तो आगे फुल स्टॉप डालना है। जब आप किस सिटी का नाम लिखोगे या यहाँ, जैसे अभी आप समानी लिख रहे हो, तो उसके आगे फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, जो भी होगा, समानी है, जो भी है, जिधर भी आप हो तो आप लिख रहे हो एप्लीकेशन। ठीक है, अभी समानी की जगह अगर चौकी आ जाता है, तो चौकी के आगे भी फुल स्टॉप आएगा। जब जगह का नाम होगा तो उससे आगे फुल स्टॉप होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा सर, हम सर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं या मैडम को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसके आगे आ जाएगा कामा। ठीक है, उसके आगे कामा आ जाएगा, कामा के बाद आप स्टार्ट करते हो विद ड्यू रिस्पेक्ट, या फिर आप लिखते हो मोस्ट रिस्पेक्टफुली, तो उसके आगे भी कामा आता है। उसके बाद आप स्टार्ट करते हो एप्लीकेशन यहाँ से लिखना। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखते हो, या फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, तो उसके बाद आप लिखते हो, लिखना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, जब स्टार्ट करते हो फिर यहाँ से, जैसे कि आपको मैंने लेटर राइटिंग में भी बताया था, पैराग्राफ जब आपने स्टार्ट करना है तो थोड़ी सी जगह छोड़ के, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना द प्रिंसिपल, द एनोवेटर, तो इसी की सेध में ही आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर विद योर रिस्पेक्ट लिख के आगे आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, लास्ट पे आपने लिखना है योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, योर्स ओबीडियंटली के बाद कामा, उसके बाद आपने एक्स वाई जी लिखना है, तो जिस लाइन पे आपने एक्स वाई जी लिखा उसी के पीछे, ठीक है, डेट लिख के आगे आपने लिखना है September 7, 2020। तो ये आपने, ये आपकी डेट का जो वे है ना, ऐसे लिखना, ये आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, इसी तरह से सेम लिखना है। पहले मंथ लिखना है, पहले मंथ का नेम लिखना है, फिर उसके बाद जो डे होगा, जो डेट होगी हमारी वो, उसके बाद आपने ईयर लिखना है। ठीक है, ये जो डेट का तरीका है, इससे बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं बच्चों के, तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये तरीका आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, अभी तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। कामा जहाँ पे लगता है वहाँ पे कामा लगाना है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगता है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, डेट जहाँ पे एक्स वाई जी लिखा है आपने उसी की सीध में ही। ठीक है, जिस लाइन पे आप आगे एक्स वाई जी लिखोगे उसी की सीध में पीछे आपने डेट लिखनी है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि डेट उसके नीचे ही लिख देते हैं, एक्स वाई जी के नीचे, या पीछे एक लाइन नीचे लिख देते हैं ना, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।